वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं IOCL गुजरात रिक्वायरमेंट 2016 जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिकली केमिकल डिप्लोमा जो होल्डर थे उनके लिए। तो वो सारा जो है कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनका आंसर क्या है विथ सॉल्व मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द रिएक्शन मोनोमर CH2CH CHCl और पॉलीमराइज द पॉलीमर फॉर्म इज, कह रहा है कि इस जो है मोनोमर से जो पॉलीमर बन रहा है तो वो कौन सा पॉलीमर बनेगा। पॉलीमर फॉर्म मतलब कौन सा पॉलीमर फॉर्म होगा। तो ये जो है फार्मूला जो है दोस्तों ओरलोन बनने का है, और ये मोनोमर जो है ओरलोन मोनोमर से ओरलोन पॉलीमर बनने की ये जो है प्रोसेस दिखाई गई है, ये रिएक्शन जो है। तो इसका सही आंसर होगा ओरलोन। क्या फॉर्म होगा, कौन सा पॉलीमर बनेगा दोस्तों, ओरलोन। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इपोक्सी रेजिन आर नोन फॉर देयर बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। ये सही है दोस्तों, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ डिस्टिलेशन ऑपरेशन टोटल रिफ्लक्स रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट। क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल टू हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ को हाइड्रोकार्बन के रूपांतरित करने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाग नहीं लेती। तो वो कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों, वो है मेथानोजेनिस, ये भाग नहीं लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द साल्ट कंसंट्रेशन इन PPM व्हेन 0.01 मोल ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 20 लीटर ऑफ वाटर। तो वो कह रहा है कि साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी जब NaCl के 0.01 मोल को 20 लीटर पानी में विलीन किया जाता है, तो नमक की सांद्रता क्या होगी। तो उसका सही आंसर है दोस्तों 29.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन ऑटो कैटालिक रिएक्शन विथ वेरी हाई कन्वर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट। कह रहा है कि जो बहुत ऊंचे रूपांतरित वाले किसी ऑटो कैटालिक प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों अ मिक्स फ्लो रिएक्टर फॉलोइड बाय प्लग फ्लो रिएक्टर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पैरेलल रिएक्शन के लिए अ हाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फेवर अ रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विंड पावर एंड विंड वेलोसिटी। तो विंड पावर पी को पी से दिखाया गया, विंड वेलोसिटी को यू से, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू का क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी मैक्सिमम फ्लेम स्पीड फॉर हाई वोलाटाइल मैटर एंड लो एस पुलवाइज फ्यूल इन मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा 15। व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर न्यूमेटिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पुलवराइज कोल इन मीटर पर सेकेंड, तो वो होगा 20। यानी कि पुलवराइज कोल को ट्रांसफ़र करने के लिए कितने वेलोसिटी की ज़रूरत है, वो है 20। और वाटर ड्रॉपलेट एट 25 डिग्री इज सडनली इंट्रोड्यूस इनटू एन इन्फिनिटिव गैस मीडियम एट 100 डिग्री सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर एट स्टेडी स्टेट। कह रहा है कि जल वाष्प सहित 100 डिग्री पर संतृप्त एक अपरिमित गैस माध्यम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक सूक्ष्म जल बिंदु अचानक शामिल किया जाता है, तो स्थिर अवस्था पे क्या होगा। तो ड्रॉप इंक्रीज इन साइज एंड इट अटेंड अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री थ्रू आउट। तो ये वो कह रहा है कि बूंद का आकार बड़ा हो जाता है और इसका तापमान सदैव 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एवरी 100% इंक्रीज इन एक्सेस एयर द फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज बाय 0.1%। ये है उसी सारे जो हैं एक तरह से कोल इंडस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं। प्रोमोटर यूज इन HH3 सिंथेसिस कैटालिक इज, अगर है कि यहाँ पे जो है
और जब हम HH3 की सिंथेसिस करते हैं तो उस समय प्रोमोटर के रूप में किस कैटालिस्ट का यूज करते हैं, तो उस समय K2O का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ द कम्बसबल केक की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम एट द फिल्टर मीडियम पर मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन A+B गिव अस C, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बिकम 9 times ऑन ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B एंड इज 2.8284 times ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो वो होगी उसकी वैल्यू 3.5 होगी। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया A+B गिव अस C में C के विचरण की दर की सांद्रता ट्रिपलिंग पर 9 गुनी तथा B की सांद्रता डबलिंग पर 2.8284 गुनी है, अभिक्रिया का क्रम है 3.5। यानी कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला रख के निकालेंगे तो 3.5 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर द अमोनिया इज सबसिक्वेंटली रिकवर्ड बाय डिस्टिलेशन। ये कह रहा है कि अगर पानी में अमोनिया घुल जाए तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस ऑपरेशन यूज करेंगे, तो वो होगी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होगा, एब्जॉर्प्शन से नहीं होगा, एक्सट्रैक्शन से नहीं होगा, ना लीचिंग से होगा। अमोनिया जो है पानी से बस डिस्टिलेशन से ही बाहर आ सकती है। नेक्स्ट है, इन नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस अबाउट 95-97% कन्वर्जन इज ऑब्टेन विथ कैटालिस्ट बीइंग प्लेटिनम। अगर हम कैटालिस्ट प्लेटिनम का यूज कर रहे हैं तो नाइट्रिक अम्ल संश्लेषण में लगभग 95-97% का कन्वर्जन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज अ रेशियो। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की रेशियो क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड फिल्म थिकनेस, ये होते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की रेशियो। कह रहा है कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज अ रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड फिल्म थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैविटेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैविटेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मेंटेन द सक्शन हेड सफिशिएंटली ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इवेपोरेटर सिस्टम इज टू बी यूज फॉर अ कोल्ड विस्कस फिट। कोल्ड विस्कस फिट के लिए किस टाइप का इवेपोरेटर यूज करते हैं, बैकवर्ड फिट टाइप का इवेपोरेटर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम गैस कन्वर्जन, किसमें जो है मैक्सिमम गैस कन्वर्जन होगा, तो सेमी फ्लूडाइड बेड रिएक्टर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए पिटार ट्यूब इंडिकेट 5 centimeters ऑफ वाटर मैनोमीटर में व्हेन इट इज बीइंग यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ एयर ऑफ डेंसिटी 1.23 kg/m³। द वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड इज 28.2। कह रहा है कि जब एक पिटार नलिका का प्रयोग घनत्व की वायु का वेग इतने मापने के लिए 1.23 kg/m³ मापने के लिए किया जा रहा है, तो वह 5 centimeters जल यानी कि मैनोमीटर को दर्शाता है, तो मीटर पर सेकंड में वायु का वेग क्या है, तो वह है 28.2। अगर नहीं आए तो मुझे बताना दोस्तों, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। एन एयर वाटर वेपर मिक्सचर हैज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 60 degrees एंड अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 40 degrees। द टोटल प्रेशर इज 101.3 kPa। द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर वुड बी, कह रहा है कि वायु जल वाष्प मिश्रण का शुष्क बल्ब ताप 60 degrees है तथा औसांक ताप 40 degrees है। कुल दाब जो है 101.3 kPa है। इस मिश्रण का आर्द्र बल्ब तापमान क्या होगा, यानी कि आर्द्र बल्ब तापमान का मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर इस मिक्सचर का क्या होगा, तो उसका होगा मोर देन 40 degrees बट लेस देन 60 degrees। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोलियम केक। पेट्रोलियम केक को मैन्युफैक्चर के लिए कौन सी जो प्रोसेस यूज की जाती है, तो वो है डीले कोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन ट्राइग्लिसराइड एंड मेथेनॉल इज कॉल्ड ट्रांसएस्टरीफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसएस्टरीफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एस्टिमेट ऑफ COD द लिक्विड सैंपल इज रिफ्लक्स विथ एसिडिक सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7। इससे जो है COD
सी ओ डी की वैल्यू जब जांच करते हैं तो इससे क्या करते हैं, और जो इस एसिडिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कनेक्टेड इन सीरीज विल बिहेव एज एन ओवरडंप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन क्रूड ऑयल इज पंप थ्रू अ फर्नेस द फर्स्ट हीट ट्रांसफर टू द ट्यूब अकर व्हेन हॉट फ्लू गैस राइज एंड हीट ट्यूब। द ऑयल ट्यूब आर हीटेड फर्स्ट बाई प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कह रहा है कि जब कच्चे तेल को भट्टी में पंपित किया जाता है तो नलिकाओं को ऊष्मा का पहला अंतरण तब होता है जब तप्त फ्लू गैसें ऊपर उठती हैं और नलिकाओं को तापित करती हैं। तेल नलिकाएं निम्न प्रकार द्वारा पहले तापित होती हैं, यानी कि सबसे पहले कौन सा जो है यूज होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, तो उसमें होगा कन्वेक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए और जो है इसका सही आंसर चुनिए दोस्तों, तो कन्वेक्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, स्टीम कंडेंसेट इज हाईली कोरोसिव मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ सी ओ टू एंड डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन और सी ओ टू अगर रहेंगे तो हमारा जो स्टीम कंडेंसेट है वो हाईली कोरोसिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन 1 kmol ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करेगा दोस्तों, 22, 41, 4 × 10³ cc। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोल इज सब्जेक्टेड इज अल्टीमेट एनालिसिस टू नो इट्स। जो है कोल को की एनालिसिस हम जब करते हैं तो किस कौन कौन सी करते हैं, उसमें हम कार्बन देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं, सल्फर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई इज अ इंटरेनमेंट सेपरेटर यूज इन इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में हम इंटरेनमेंट सेपरेटर का यूज क्यों करते हैं, तो उसका आंसर है टू सेपरेट द लिक्विड ड्रॉपलेट फ्रॉम वेपर, वेपर से लिक्विड ड्रॉपलेट को सेपरेट करने के लिए। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाई 1 gram mole ऑफ अ गैस एट HTP इज 22.4 liter। ये तो आप जानते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट कह रहा है कि मैच द यूनिट प्रोसेस जो है सोपनिफिकेशन सोप एंड डिटर्जेंट से है, कैल्सिनेशन जो है अपना 3 यानी कि सीमेंट से है, एल्किनेशन जो है R यानी कि 1 से है यानी पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये मैच करने का था, कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों। नेक्स्ट है, पीवी पे हमारी अगर गामा वैल्यू की अगर कांस्टेंट है और गामा वैल्यू की वैल्यू बोल रहा है कि सीपी अपन सीवी है, तो ये वैलिड कब है, जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो। ये इक्वेशन कब वैलिड है दोस्तों, एडियाबेटिक प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द मिनिमम सेल थिकनेस ऑफ कार्बन स्टील इंक्लूसिव ऑफ कोरोजन अलाउंस डिपेंड ऑन सेल डायमीटर एंड इज द रेंज ऑफ 5 to 11 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूल जनरली यूज इन रिएक्टर इज यूरेनियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ यूरेनियम बिकॉज द फॉर्मर हैज हायर, ये इनमें ऑल ऑफ दीज होगा, तो आप देख लेना। हैवी वाटर D2O इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सर्व एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर, दोनों दोस्तों। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, ये सही है इसका। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1200 kg/m³, इट्स वैल्यू इन ग्राम पर लीटर में होगी 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, तो PVC थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग, तो बैकेलाइट है। द बैकेलाइट इज मेड फ्रॉम फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, द इनिशियल रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड इज एन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है, पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट बाय कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन नॉन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इज अ पॉलीयूरेथीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग द नसल्ट नंबर इन हीट ट्रांसफर द डायमीटर डायमेंशन इज मास ट्रांसफर इज श्रुवेड नंबर, सही आंसर श्रुवेड नंबर है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी नोन एज प्रेंडल नंबर।
नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन डिस्क्राइब द मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन अ पोटेशियम फ्लो, ये सही आंसर है। डिस्चार्ज इन लेमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप वेरी एज अ स्क्वायर ऑफ द रेडियस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज अ स्वीटेस्ट फ्रक्टोज, सबसे ज़्यादा मीठा होता है। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर जनरली यूज फॉर हाई हीट के लिए। एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.03 गुणे 10 पे 23 मॉलिक्यूल्स पर ग्राम मोल। एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज क्लोएस्ट टू दैट ऑफ केरोसिन, ये जो है एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एविएशन टर्बाइन के लिए एवरेज बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे क्लोज है किसके, केरोसिन के। लाइम सोडा ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर इज रिमूव बोथ टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस, यानी कि दोनों ये दूर करता है। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल इज मेड अप मेनली ऑफ एल्केन साइक्लो एल्केन एंड एरोमेटिक्स, ये सही है। मॉलिकुलर डिफ्यूजिटी इज कॉज्ड बाय थर्मल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है एल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड यूजिंग एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है कि वाटर को अलग करना, वाटर जो है इसमें उसको सेपरेट करना, डिहाइड्रेट करना। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट इज ट्रीटेड इन पुलसीड कॉलम एक्सट्रैक्टर, इसमें जो है ट्रीट किए जाते हैं इनको। थर्मिस्टर इज अ सेमी कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ टेम्परेचर राइज, ये सही आंसर है। क्रॉसिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी क्रिएटेड बाय क्रॉसिंग टू द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड, ये इसका रेशियो है। नेक्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप चेंजेज, यानी कि यूनिट स्टेप के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मैथमेटिकली स्टार्टेड एट डी क्यू इजकल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ये आंसर सही है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच कैन आइदर इंक्रीज या डिक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर आर यूज फॉर केस वेयर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड ट्यूब इज मोर देन 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर फॉर गिवन हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया स्मॉलर डायमीटर ट्यूब आर फॉरवर्ड बाय कंपेयर टू लार्जर डायमीटर वंस बिकॉज द स्मॉलर डायमीटर ट्यूब कैन बी फिटेड इन टू स्मॉलर सेल डायमीटर हेंस द कॉस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर वुड बी लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्लूइड मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बायोएंसी फोर्स अराइजिंग फ्रॉम अ चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू चेंजिंग टेम्परेचर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बाकी सब सही हैं और गलत क्या है। ए रिड्यूसर इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ पाइप इन अ स्ट्रेट रन, ये गलत है दोस्तों। रिड्यूसर बस रिड्यूस करती है, डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, जो है बस पाइप की जो है डायमीटर को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसपोर्ट अ स्टिकी मटेरियल विच इज फॉलोइंग सिस्टम विल बी यूज, तो स्क्रू कन्वेयर, स्टिकी मटेरियल जो चिपकने वाले मटेरियल हैं उनके लिए स्क्रू कन्वेयर का यूज करते हैं। वाट इज द यूनिट ऑफ फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस, तो 1/m होगा। द इवेपोरेटर कैपेसिटी इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ वाटर वेपोराइज पर 1 hour टाइम ऑफ ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन, तो उसका जो है मेन फैक्टर कौन सा है, रिलेटिव वोलाटिलिटी है। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइपलाइन इज कॉल्ड सुपरसोनिक इफ द मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ फिल्टरेट थ्रू केक इन अ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस इंश्योर लेमिनार फ्लो। विच ऑफ द टैंक बिलो वुड बी हीट अप द मोस्ट फॉर्म ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सन,
तो ये है और टैंक पेंटेड विथ ब्लैक पेंट, ब्लैक मेटल पेंट, ये इसका सही आंसर होगा। नाइलन सिक्स क्या है? पोलीएमाइड के नाम से भी जाना जाता है, पोलीएमाइड। इन ऐसा यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस इन वाट पर मीटर केल्विन, पर केल्विन के। नेक्स्ट है, व्हेन क्रूड ऑयल इज पंप थ्रू अ फर्नेस, द फर्स्ट हीट ट्रांसफर टू द ट्यूब अकर व्हेन द हॉट फ्लू गैस राइज एंड हीट ट्यूब, द ऑयल ट्यूब आर हीटेड फर्स्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ये वही क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्या दूसरा है, तो ये दोस्तों पढ़ लेना। एक्चुअली दोस्तों मैं इसको डीपली सबको बताता, लेकिन मेन क्या है कि मेमोरी जो है अभी बहुत स्पेस कम है और मुझे थोड़े समय में ही इसे कंप्लीट करना है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या है कि आप एक बार क्वेश्चन देख लो फिर इसको सॉल्व करते रहना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर सही से देखें तो व्हेन क्रूड ऑयल इज पंप थ्रू अ फर्नेस, फर्नेस फर्नेस के द्वारा हमारा क्रूड ऑयल को पंप किया जा रहा है, द फर्स्ट हीट ट्रांसफर टू द ट्यूब, तो पहले जो है कैसे हीट ट्रांसफर होगा, तो वो होगा कन्वेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा, एन आइडियल फ्लूड इज वन विच इज फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। अगर आइडियल फ्लूड अगर आप कहोगे तो आइडियल फ्लूड क्या है, तो आइडियल फ्लूड की ये प्रॉपर्टी होती है कि या तो वो फ्रिक्शनलेस हो या इनकम्प्रेसिबल, दोनों प्रॉपर्टी उसको फॉलो करनी होगी। अगर फ्लूड कंप्रेसिबल हो या फ्रिक्शन देने वाला हो तो वो आइडियल फ्लूड नहीं होगा, आइडियल फ्लूड हमेशा इनकम्प्रेसिबल और फ्रिक्शन लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर एट द पॉइंट इन अ स्टैटिक आर यूनिफॉर्मली मूविंग फ्लूड इज इक्वल टू द ऑल डायरेक्शन, द स्टेटमेंट नोन एज पास्कल है, तो सभी को मालूम है। द एच टाइप पिटार्ड ट्यूब इज यूज फॉर मोनिटरिंग वेलोसिटी ऑफ स्टैक एयर, जितने भी स्टैक एयर हैं उनकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम एच टाइप पिटार्ड ट्यूब का यूज करते हैं। वॉट इज द स्लिप वेलोसिटी ऑफ फ्लूडाइजेशन, फ्लूडाइजेशन की स्लिप वेलोसिटी निकालनी है तो उसका जो है फार्मूला है वेपर वेलोसिटी अपॉन कैटालिस्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेलर आर एक्सियल फ्लो मिक्सचर, ये इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेट द डायमीटर ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, तो सेट द डायमीटर सेट करने के लिए डिस्टिलेशन कॉलम के लिए हमें किसका यूज करते हैं, तो वो है अलाउबल वेपर वेलोसिटी, वेपर वेलोसिटी को देखते हुए हम क्या करते हैं डायमीटर ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम को सेट करते हैं। रोटामीटर इज अ डिवाइस मेजर फ्लोरेट, फ्लोरेट मेजर करने के लिए रोटामीटर का यूज करते हैं। पिरानी गैस यूज फॉर मेजरिंग, वैक्यूम, ड्राई आइस, सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड। रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, ये बहुत ईजी है। ए बैरोमीटर मेजर एब्सोल्यूट प्रेशर, सभी ये भी बहुत बार पूछा गया है और ये भी ईजी है दोस्तों। नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया अप्रोक्सी 45%, इसमें भी कुछ भी नहीं है। द ब्यूटी ऑफ वेस्ट वाटर इज ऑलवेज लेस देन COD, COD से हमेशा ब्यूटी कमी होती है। एटमोस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोमैक्स, क्या है कि 10^5 पास्कल, ये तो आप जानते हो। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड फिल्म थिकनेस, ये भी जानते हो। BET ऑपरेटर इज यूज टू डिटरमाइन सरफेस एरिया, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था BET क्या है। इन अ साइक्लोन सेपरेटर द मेन प्रिंसिपल इज मेक यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सही है। साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज -182.9°। द मेजर कंस्टिट्यूंट इन वाटर गैस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, करें वाटर गैस का क्या क्या कंपोजिशन है, तो वाटर गैस में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है और हाइड्रोजन रहता है। नेक्स्ट है, VNOC इज यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड इन अ ओपन चैनल, ओपन चैनल में VNOC का यूज करते हैं फ्लो मेजर करने के लिए। द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूड इज कॉल्ड पोटेंशियल फ्लो, दोस्तों जितने भी आइडियल फ्लूड होते हैं उनका जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल फ्लो उन्हें कहते हैं। काउंटर करंट इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग
काउल्टर काउल्टर लिखा है दोस्तों, काउल्टर करंट इज अ डिवाइस फॉर द मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ फाइन पार्टिकल। नेक्स्ट है 20 mesh स्क्रीन मीन्स 20 ओपनिंग पर लिनियर इंच, ये सही है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर इज इनफाइनाइट। जो थर्मल कंडक्टिविटी परफेक्ट हीट इंसुलेशन के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो इनफाइनाइट होगी। द ग्रेट नंबर इज एसोसिएटेड विद हीट ट्रांसफर इन अ लैमिना। वन फोर सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर मीन वन सेल साइड पास एंड फोर ट्यूब साइड पास, ये इसका मतलब होता है। बेफल यूज ऑन सेल साइड ऑफ अ हीट एक्सचेंजर विल इंक्रीज अ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए। द कूलिंग इफेक्ट इन अ कूलिंग टावर कैन बी इंक्रीज बाई ऑल ऑफ दिस, इन सभी को पढ़ लेना दोस्तों क्या है वो, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। एट टोटल रिफ्लक्स द कैपेसिटी ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इज जीरो। द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट एन अकाउंट ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी। कैविटेशन इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉज बाय लो सक्शन प्रेशर। फुट वॉल इज अ बैक प्रेशर वॉल, यानी कि अ बैक प्रेशर वॉल। फुट वॉल का यूज जो है बैक प्रेशर ना लगे या बैक फ्लो ना हो एक तरह से, उस इसलिए वो लगाते हैं। फुटबॉल कैसा होता है क्या होता है इसका मैंने जो है वाल्व में पढ़ा रखा है, इसको वाल्व सेक्शन में जाकर देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द गैस वेलोसिटी। वन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेस्ड, तो वो फर्स्ट लॉ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन अ फ्लूइड, यह है इसका सही आंसर, इसका वो रिलेट्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोलर डायग्राम इज यूज फॉर डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वेपर। हीट फ्लक्स मीन केजे अपन एस डॉट एम क्यू, तो ये एस जो है केजे अपन यस एम क्यू, एस क्या है दोस्तों देखना पड़ेगा एस यहाँ पे क्या प्रतीत करा रहा है। हीट फ्लक्स जब आप निकालते हो तो उसका क्या फार्मूला है उसे ये रिलेट कर लेना, अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा बोलने पे दिमाग काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रासोफ नंबर इज यूज इन नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में ग्रासोफ नंबर का यूज किया जाता है। मैकेथिल मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ प्लेट, ये नंबर ऑफ प्लेट निकालने के लिए मैकेथिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हीरोस्टिक रूल्स इज यूज इन डिस्टिलेशन, ये कौन सा रूल है मुझे भी नहीं पता, आप भी नेट पर सर्च वर्च करके देख लेना दोस्तों। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, यह इसका सही आंसर। दोस्तों क्या है कि मैंने आपको लगभग 120 क्वेश्चन जो है उस जो पेपर में पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन आपको बता दिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग ऐसे लोग बहुत होंगे जो इनके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो उनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको डीपली सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है और मेमोरी कैपेसिटी जो है इस समय बहुत कम थी, इसलिए मैंने इसको जो है बस क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बता दिया। अब इसको जो है सॉल्व मैं करके जो है अलग से वीडियो डालूंगा, लेकिन मैं सॉल्व उन्हीं क्वेश्चनों को करूँगा जो आप जो है कमेंट करके बताओगे कि सर ये क्वेश्चन का कैसे निकला वो मुझे बताइए, तो मैं वो ज़रूर बताऊंगा। तो आई होप अगर आप ये पूरा देख ले रहे हो तो इनमें से कम 30% ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाली जो वैकेंसी है जो IOCL की वैकेंसी है उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं या एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों मेहनत मैंने बहुत की है तो लाइक तो बनती ही है, और अगर आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के पास और कुछ ऐसा है क्वेश्चन जो
पूछा गया हो प्रीवियस ईयर का, तो वो प्लीज़ मेरे जो है जीमेल आईडी पे जो है सेंड कर दें, मैं सभी दोस्तों को वो बता दूंगा और सभी दोस्तों का जो है हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी ईयर की जो है या अप्रेंटिस का या जो है केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी, चाहे ट्रेड अप जो है टेक्नीशियन का या किसी भी किसी भी टाइप का अगर आपके पास IUCL का पेपर हो तो वो मेरे मेल पे फॉरवर्ड कीजिए, मैं उसे सॉल्व करके वीडियो में अपलोड कर दूँगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय।